हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? विन विन फॉर ऑल, तो चलिए सब लोग साथ में जीतते हैं। लाइक यूपीआई, पीएम वाणी हैज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखते हैं क्या यहाँ पे बात हमारे पीएम वाणी की हो रही है। जस्ट अ सेकेंड। द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हैड थ्री मेन विजन एरियाज। क्या है थ्री मेन? एक तो कनेक्टिविटी हो गया, दूसरा सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज हो गया, एंड थर्ड ऑन डिमांड एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। तो सिटीजन तक वो डिजिटल एम्पावरमेंट पहुँचाना, जो डिजिटली सारी चीज़ें हो रही है वो हर सिटीजन तक पहुँचाना, ये एक थर्ड इसका डिमांड हो जा रहा है। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मतलब आपका हो जाता है बहुत कॉमन। कॉमन डिजिटल कनेक्टिविटी इज एन साइन क्वा नन। साइन क्वा नन हो जाता है, आप इसको कह सकते हैं वेरी मच नेसेसरी। तो मतलब वेरी कॉमन, इसको अगर सिंपली मैं पढ़ूँ तो वेरी कॉमन डिजिटल कनेक्टिविटी इज़ अ वेरी नेसेसरी टुडे, वेरी मच नेसेसरी टुडे। अनफॉर्चुनेटली द कनेक्टिविटी लैंडस्केप हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन द लास्ट 7 ईयर्स ड्यू टू मल्टी फैक्टर्स लाइक बूम इन मोबाइल टेलीफोनी, 4G कवरेज, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टैरिफ एंड इंक्रीज स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। इनेबलिंग पॉलिसीज लाइक नेट न्यूट्रलिटी एंड फोकस ऑन बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको DPI बोला जा रहा है, पर्टिकुलरली द डिजिटल ID एंड UPI हैव फर्दर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डिजिटल इंडिया विजन, रिजल्टिंग इन मैसिव इंक्रीज इन डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि UPI हो गया आपका, जो फोन स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन, क्या आप देखो गरीब से गरीब अमीर से अमीर के पास आज स्मार्टफोन है, और 4G हो गया, और अपने अंबानी साहब ने जो किया है कि नेट के रेट सबसे सस्ता कर दिए, सबके पास अवेलेबल है, तो वो हो गया। ये सारे फैक्टर्स मिलके इंडिया इंडिया को डिजिटल इंडिया बना दिया गया है, तो यही चीज़ है। हाउएवर द ग्रोथ हैज़ ऑल्सो बीन अकम्पेन्ड बाई अ ह्यूज सर्च इन डिमांड फॉर डेटा। टुडे इंडियाज पर कैपिटल डेटा कंजप्शन स्टैंड एट अ वूपिंग 19.5 GB पर मंथ, एंड द टोटल डेटा वॉल्यूम ट्रांसपोर्टेड बाई मोबाइल नेटवर्क इज मोर देन मोबाइल नेटवर्क ऑफ US एंड चाइना कम्बाइंड। तो आप सोचिए कितना इंडियंस इंटरनेट यूज कर रहे हैं। दस द गैप बिटवीन डिमांड एंड अफोर्डेबल सप्लाई स्टिल रिमेन क्वाइट वाइड, स्पेशली फॉर पुअर हाउस होल्ड एंड रूरल इंडिया। हम लोग को लग रहा है रेट कम है, और ऑलरेडी है, पर अगर हम देखें कि ये जो पुअर हाउस होल्ड्स है उनके लिए थोड़ा रेट और कम होना चाहिए। यहाँ पे ये बात हो रही है कि डिमांड क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे रेट्स और कम होने चाहिए। वॉट डज वन डू इन दिस सिचुएशन? अब क्या किया जा सकता है? द क्रिएशन ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट वॉज वन सच आइडिया प्रपोज बाय तराई इन 2017। सिमिलर इन कंसेप्ट टू PCOs ऑफ यस्टर ईयर, इट प्रपोज टू क्रिएट मिलियन ऑफ इंटरऑपरेबल वाईफाई हॉटस्पॉट कॉल पब्लिक डेटा ऑफिस PDOs, विच वुड फॉस्टर अ शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रॉडबैंड एंड स्केचेड साइज पैकेट ऑफ ₹5 to ₹10। तो मतलब कह रहे हैं जैसे PCO होता था, कोई भी जाके कॉल कर लेता था जिसके पास फोन नहीं होता था, और बहुत छोटा अमाउंट पे करता था। तो वैसे ही अगर नेट चाहिए तो वहाँ पे ऐसा एक डेटा सेंटर बनाया जाए लोगों के पास, जिसको हम लोग बोले PDOs, तो पब्लिक डेटा ऑफिस है, जहाँ पे 5 से 10 रुपये में जाके आदमी अपना नेट यूज़ करे, काम करे, और वहाँ से आ जाए, वो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। सेम लाइक PCOs की बात हो रही है, तो PCOs के जगह PDOs को बना लिया जाए, ये जो गैप है उसको कंबाइन करने के लिए, मतलब फुलफिल करने के लिए, भरने के लिए। द आइडिया वॉज सक्सेसफुली पायलटेड एंड सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एज वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस वानी इन मार्च 2017। अब देखिए वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है इसका फुल फॉर्म, वानी का, इसका WANI। एज यूजल देर वर अपोजिशन टू आइडिया। द सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन गेव कमिटमेंट टू गवर्नमेंट डेट देर वॉज नो नीड फॉर वानी एज दे विल क्रिएट अ मिलियन हॉटस्पॉट विद इन अ ईयर। ऑब्वियसली नथिंग वॉज डन, कुछ हुआ नहीं है अभी तक जैसा हमने देखा। इट टुक 3 ईयर्स फॉर DOT। DOT क्या है आपका? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम टू अप्रोच द यूनियन कैबिनेट, इट वॉज अप्रूव्ड इन December 2020 एज PM वानी। देर वॉज ट्रांसफॉर्मेशनल, दिस वॉज ट्रांसफॉर्मेशनल, सॉरी, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ था। नो लाइसेंस, नो परमिट वॉज नीडेड फॉर ऑपरेशन टू स्टार्ट। कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है।
Startup who had participated in initial pilot started work. Then COVID brought everything to a grinding halt. Now the operator called PDOs, public data office aggregators, have started work again. One of the arguments against the PM-WANI is that data being so cheap, with everyone having 4G connectivity, there is no business case of Wi-Fi hotspots. तो ऐसा बोला जा रहा है डेटा ऑलरेडी बहुत चीप है, इसका कोई इतना बड़ा लार्ज स्केल बिजनेस नहीं हो पाएगा क्योंकि सबके पास 4G फोन है और 4G डेटा है हमारे पास. दिस इज एन ओवरऑल इम्प्लीकेशन. द इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू वीडियो एंड मल्टीट्यूड ऑफ एप्लीकेशन मेक्स इट अनअफोर्डेबल फॉर पुअर फैमिलीज इवन टूडे. ठीक है, और इसका सेकेंड पॉइंट है कि भाई अभी भी पुअर फैमिलीज के लिए अफोर्डेबल नहीं है. पॉजिटिव विंड हैज started to blow albeit on a small scale and in some isolated pockets of a country. In the last year, more than 1.5 lakh Wi-Fi hotspot have been installed by PDOAs, and more than a million people are getting unlimited internet daily by paying just rupees 5 to 10. तो मतलब ये सस्ता हो गया, और देखिए 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख Wi-Fi hotspot last year country में बन भी चुके हैं. ये बात हो रही है PCO की तरह. बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरियस एंटिटीज सच एज PDO, PDOA, ऐप प्रोवाइडर एंड सेंट्रल रजिस्ट्री, एंड ओपन एंड स्केलेबल फ्रेमवर्क हैज बीन क्रिएटेड इन वे UPI ट्रांसफॉर्म्ड द फाइनेंशियल स्पेस इन इंडिया. PM-WANI इज गोइंग टू बिकम द यूनिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन कनेक्टिविटी. दिस फ्रेमवर्क ऑफर अ कंपेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रीगेटर एज इट अलाउज अनबाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एट अ लास्ट माइल. लास्ट माइल मतलब जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है वो लास्ट माइल. वहाँ पे मतलब देखिए दिल्ली में कनेक्टिविटी है, पर आप समझिए कि अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के आखिरी गाँव में, लद्दाख के बिल्कुल आखिरी गाँव में, वहाँ तक अभी इंटरनेट नहीं पहुँचा. तो कह रहे उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है. Eliminating the need of additional licensing fees, this is particularly exciting as the provider a robust foundation for delivering affordable internet access to a significant portion of society. Currently, India's home brand penetration is one of the lowest in world. PM-WANI presents a golden opportunity to accelerate high-speed unlimited internet penetration, bridging the digital divide and empowering communities nationwide. By creating a win-win situation for all key stakeholders, PM-WANI also nurtures the growth of local nano entrepreneurs. Nano मतलब बहुत छोटे, जो छोटे छोटे businessman हैं. Just a second. These last mile providers found in small shops, local establishment and even households augment their monthly earning while promoting internet usage. तो बात हो रही है जो छोटे छोटे आपके businessman हो गए, और ऐसे जगह जहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, बहुत छोटे छोटे दुकान हो गए आपके, और जो हाउस होल्ड, इवन दी हाउस होल्ड्स, जो जहाँ पे चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है, उन लोगों को ये जो जो रेट हम बोल रहे हैं सस्ते हैं, मतलब हमारे लिए सस्ते हैं पर ज़रूरी नहीं है सबके लिए सस्ते हैं, तो उन लोगों के लिए कह रहे हैं. तो ये इंटरनेट यूसेज को प्रमोट करेगा क्या आपका PM-WANI. ठीक है, ऑल दो द इंफ्रास्ट्रक्चर लेड आउट बाय मेजर कंपनीज लाइक रेलटेल, गेल ऑलरेडी एग्जिस्ट. इट इज़ करंटली अंडर लिस्टेड, बस लिस्ट नहीं हुआ है पर पता है कि है. मोर ओवर मेनी दिस लार्ज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर हेजिटेंट टू एंटर अंडर सर्व्ड एरियाज, कि मतलब कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे, उन लोगों को डर लग रहा है कहीं भाई इतना इन्वेस्टमेंट लगा दे और नुकसान भी हो जाए. दिस प्रेजेंट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर PM-WANI फ्रेमवर्क टू फ्लरिश. इट ऑल्सो बेनिफिट्स ISP एंड Telecos as they end up selling more bandwidth by making their end customer retailers. PM-WANI needs to be promoted by all stakeholders. It is uniquely Indian in its approach of interoperability, openness and scalability. Hopefully it will accelerate like UPI and other DPIs being built in our country. अब देखिए इसमें important क्या हो जाता है हमारे लिए. सबसे पहले तो हमारे लिए PM-WANI इम्पोर्टेंट है. ठीक है, PM-WANI के हमने बेनिफिट्स देख लिए क्या क्या है. ये इंटर ऑपरेबिलिटी है. ठीक
ठीक है, पर सॉरी, पर सेकंड इसमें हम देख रहे हैं, हमें देखना है, इस आर्टिकल में अभी मेंशन नहीं हुआ है कि उसके क्या क्या, आप देखिए क्या क्या चैलेंजेस है। जैसे कि अगर एक ही इंटरनेट पे ढेर सारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे पर्सनल डेटा सेफ ना रहे। अब पर्सनल डेटा भाई, अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, छोटा बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन, सबका सेफ होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ शायद यहाँ पर एक चैलेंज हो सकता है, आप उसके ऊपर सर्च करिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूल और रेगुलेशन के साथ इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि किसी के भी पर्सनल डेटा को, प्राइवेसी को हार्म ना पहुंचे, और जो इंटरनेट फ्रॉड्स हो रहे हैं, फिशिंग, शिपिंग, तो ये सारी चीज़ें ना हो, जो आप देख रहे हैं वायरस डाल देते हैं इधर से उधर लोग, तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तब ये और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, और तब शायद बड़े स्केल पे भी हो पाए कि कोई जाने से पहले वहाँ पे कतराए ना, अरे कुछ तो हो सकता है गलत से, ऐसा कुछ नहीं हो, सब लोग जाएंगे अच्छे से। तो इसके ऊपर गिव इट अ थॉट एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।